Good morning guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो आज सुबह सुबह ही हो गया मेरा पोपट और हम जैसे ही किचन में गए, आज तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी गैस डिम डिम करके जल रही थी और जैसे ही मैंने किया ना तो मेरी गैस जो है बंद हो गई क्योंकि उसका सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मुझे यूज़ करना पड़ा इंडक्शन। और शुक्र ये है कि हमारे पास इंडक्शन है। सोचिए अगर इंडक्शन भी ना होता तब तो फिर सुबह सुबह एकदम मूड ही ख़राब हो जाता, चाय भी ना पी पाते। तो आज का दिन जो शुरुआत हुआ ना तो इस तरह से हुआ। तो आज है शीतला सप्तमी जी की पूजा और सप्तमी का ये मेरा व्रत है और इसीलिए जो है नाश्ता मैं कुछ ऐसा बनाई नहीं हूँ। रात को जो मैंने नूडल्स और फ्राइड राइस बनाया था ना, वो तो नूडल्स तो नहीं बचा था और फ्राइड राइस बच गया था। तो मैंने फ्राइड राइस जो है वही थोड़ा सा गर्म किया और हस्बैंड और बेटी को ही खाना था तो हस्बैंड और बेटी के लिए बना दिया, मतलब बनाया क्या भाई, बना बनाया था उसको गरम किया फ्राइड राइस। और इधर अपने लिए आलू वगैरह बना लेंगे बट अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ही फ्राइड राइस है मेरा, इसको खूब अच्छे से हमने गरम कर लिया क्योंकि रात भर ये फ्रिज में था तो बाहर निकाल कर रखा और फिर इसको अच्छे से गर्म किया। और तो मेरी गैस जो है ख़त्म हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपकी इंडक्शन पे परफेक्ट नहीं बन पाती हैं, जैसे कि रोटियां तो इंडक्शन पे अच्छी से सिक नहीं पाती हैं, उसके लिए गैस चूल्हे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम जो है फ्राइड राइस निकाल रहे थे दो प्लेट में, हाँ दो ही में निकालना था मुझे क्योंकि हस्बैंड और सिद्धि को ही खाना था और राघव ये खाता ना क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बन गया था। मतलब हम लोग के हिसाब से तो स्पाइसी नहीं था लेकिन राघव के लिए वो थोड़ा सा ही ना ज़्यादा स्पाइसी उसको लग जाता है अगर थोड़ा सा ही इसमें मसाला या कुछ पड़ जाए। एक्चुअली ना मेरे बच्चों में क्या है, मैंने स्टार्टिंग से ऐसे सिद्धि में भी क्या किया था, एकदम सादा सादा बनाते थे और अब हालत ऐसी हो गई है कि मेरे बच्चे जो है एकदम से सादा खाते हैं। सिद्धि को आज के टाइम पे भी अगर कुछ दे दो ना ऐसा स्पाइसी वाला तो वो अभी भी नहीं खा पाती है। तो यहाँ पर इसीलिए हम बना रहे थे पराठा राघव के लिए और इसके साथ उसे कुछ तो चॉकलेट सिरप या कुछ दे देंगे। तो अभी शाम को हम यहाँ पर निकल रहे थे, जा रहे थे अकेले, थोड़ा सा मुझे सामान लेना था तो सिद्धि मेरे साथ हो गई। एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ, हस्बैंड ने कहा कि तुम अकेले जाओ, कम से कम बाहर निकलो, तुम्हें यहाँ के एरिया के बारे में पता चले। और इसी चक्कर में मुझे अकेले निकलना पड़ा। वो दो तीन दिन से कह रहे थे कि तुम्हें अपना काम खुद करने जाना चाहिए और इसी से तुम्हें इधर के एरिया के बारे में नॉलेज होगी, कम से कम ये पता चलेगा कि तुम्हें रास्ता पता है कि नहीं पता है। और हम इसी डर में नहीं निकलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निकलें और हम वापस मतलब रास्ता भूल जाएँ और हम घर को ना आ पाएँ। तो काफ़ी हिम्मत करने के बाद हस्बैंड नहीं तैयार हुए तो हम अकेले हिम्मत बांध लिए जाने के लिए और साथ में सिद्धि भी थी और हम यहाँ पर पहुँच गए। एक्चुअली आज सप्तमी की पूजा के लिए ना चढ़ाने के लिए मेरे पास सामान नहीं था तो उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा मैंने तो मुझे मार्केट एक तो बंद मिली जितने बजे हम आए तो हमको सामान नहीं मिल पाया और काफ़ी लंबे आ गए थे हम ढूंढते ढूंढते शॉप की ऐसा कुछ मुझे चढ़ाने वाला सामान मिल जाए, तो जो कि नहीं मिला। तो हम चलते चलते आ गए थे यहाँ पर मोड़, और एक्चुअली मोड़ से मुझे ना लेना था मूंगफली का तेल और मूंगफली वगैरह कुछ ऐसे मखाना वगैरह, कुछ व्रत का सामान भी लेना था क्योंकि सावन आ गया है तो सावन का सोमवार भी हम व्रत रहते हैं ना तो उसमें भी ऐसा व्रत की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा आज निकले हैं तो ले लेते हैं, तो बस जो लेने आए थे वो तो नहीं मिला, बाकी लेके चल दिए। तो फाइनली सही सलामत हम लोग घर पहुंच गए, बहुत घूमते घामते फर्स्ट टाइम निकले थे अपने दम पर यहाँ पर कोलकाता में अकेले। मतलब हम लोग सारी गली घूम डाले लेकिन कोई गली, हम लोग इतनी सारी गली घूमे फिर मैंने कहा कि चलते फिर से ब्रिज पर, तो मम्मी गई तो मम्मी फिर गली में ऐसे ऐसे करके गई अपने घर आ गई। और इसी बहाने मुझे एक रास्ता और मिल गया घर तक आने का, और कोई एक शख्स है जो मेरे अकेले बाहर जाने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। ये शख्स है जो बहुत ज्यादा खुश हो गया मेरे अकेले बाहर जाने से, इतना घूम टहल कर आने से। कम से कम कलकत्ता में आए 6 महीने हो गए, अब जाके निकली आज पहली बार। तो मुझे आज भी डर ही लग रहा था कि हम पता नहीं बाहर निकले और फिर हम वापस सही मतलब सही सलामत लौट कर आ पाएंगे, घर ढूंढ पाएंगे कि नहीं। जब आदमी पानी में उतर जाता है ना तैरना सीख जाता है अपने आप। तो
तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, एकदम देखते दाखते ढूंढते ढाढ़ते बस पहुंच गए। अब ये हो गया कि हाँ अब अकेले निकल के जा सकते हैं। अरे सच में कैसे पता है राघव का? राघव का बर्थडे कब आता है? जून। और दीदी का पहले दीदी का बताओ। हो गया है, फिर से पापा बता दो, मम्मा नहीं सुन पाई थी। पापा का कहाँ पर है? नो, उससे थोड़ा सा नीचे। नो, ए है। अब पापा का फिर से बता दो। ओके ओके ओके, हो गया, एक बार हो गया, दोबारा नहीं बताओगे? दीदी का बर्थडे कब आता है? दीदी का बर्थडे शाम को आता है। शाम को आता है, लेकिन कब, कौन से मंथ में आता है? वेरी गुड। और राघव का? वेरी गुड। और पापा का? ए पापा का ये ए है। और मम्मा का अभी बताए थे दिसंबर के ऊपर, उससे नीचे उसके ऊपर। तो ये बुक जब से आई है ना, ये राघव को काफ़ी पसंद आ रही है, और इसी बहाने राघव बुक लेकर के बैठ रहे हैं, पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब छोटा बड़ा ये भी है, ए बी सी डी है, मतलब ए टू जेड सब कुछ है जो बुक में होना चाहिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी, आपको मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। बाय, अपना ख्याल रखना। I don't ever slow up, no, I don't take